अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग दाल गोश्त बना रहे, बहुत ही मशहूर रेसिपी है, उतना ही टेस्टी भी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। दाल गोश्त रेसिपी के लिए गोश्त को हम लोग अच्छी तरह वॉश करके रखे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैरिनेशन का प्रोसेस भी है, उसके लिए पहले गोश्त को इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली, जिंजर और गार्लिक को हम लोग पहले ही रफली ग्राइंड करके रखे हैं, उसी मिक्सर को इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग जो स्लाइसेस कट करके रखे थे ऑनियंस, उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन, मतलब जो आधा ऑनियंस इसमें ऐड करेंगे और बाकी के आधे हम लोग रेसिपी में यूज़ करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसी में हम लोग ऑयल भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी में हम लोग टेस्ट के लिहाज से थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह अप्लाई करे बाद हम लोग जो नेक्स्ट रेसिपी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। बॉल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। ऑनियंस ऐड करने से पहले ही रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनी शेड में आते ही जो पहले ही हम लोग मिक्स करके रखे थे मटन, उसको इसमें ऐड करेंगे। दस मिनट तक गोश्त अच्छी तरह पके बाद इसी में हम लोग रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट के साथ साथ कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। चना दाल को हम लोग 2 आवर्स तक पानी में सोक करके रखे थे, उसी चना दाल को इसमें ऐड करेंगे। चना दाल ऐड करे बाद इसी में हम लोग हॉट वाटर भी ऐड करेंगे। दाल और मीट मिक्स होके परफेक्टली बॉईल हो गया है, इसी को हम लोग स्लाइटली एक तड़का डालेंगे, उसके वजह से और भी उसका टेस्ट एनहेंस होगा। उसके लिए इसी में हम लोग घी ऐड करेंगे। ज़ीरा और ब्लैक पेपर इसी में ऐड करेंगे और इसके साथ साथ करी लीव्स भी ऐड करेंगे।
दाल गोश्त बहुत ही मज़ेदार बना है। प्योर घी यूज़ करने से सीरियसली उसका जो टेस्ट है सीरियसली बहुत ही डबल हुआ है और देखने के लिए भी बहुत ही यम्मी लग रहा है। इसी के साथ हम लोग बघारा राइस भी प्रिपेयर करे थे। अगर आप चाहे तो रोटी भी इसके साथ खा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग नीडी पीपल के लिए बघारा राइस बनाए थे, उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार रहेगा। इमीडिएटली नीडी पीपल तक पहुँचेंगे और उनको पेट भर खिलाएंगे। चलिए आज के वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। आप जितने शेयर करेंगे उतना अच्छा नवाब्स किचन आगे बढ़ेगा। इतने साल से आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं और भी आपकी सपोर्ट ज़रूरत है। व्यूज बढ़ाना है और नवाब्स किचन को आगे ले जाना है, सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.